हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो आप लोग अभी देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा हुआ है और आज है सैटरडे। कल हमें निकलना है गुड़गांव के लिए, तो मुझे लगा यार कल मैंने ब्लॉग तो बनाना ही है, तो उस ब्लॉग को आज से क्यों ना स्टार्ट कर लूँ। स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो हमारी चाची जी हमारे लिए बना रही है। यानी कि कल हम गुड़गांव जा रहे हैं तो हम हमारे घर वालों के लिए बना रही है, तो चलो दिखाती हूँ क्या बना रहे हैं वो। तो ये है चाची जी किचन में, चाची बना रही है हमारे लिए रोटना। अभी यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है। रोटना क्या बना रहे हैं चाची आपको बताएगी। क्या बना तुम हम रोटना? मेरी बहू घर आ रखी है। हाँ। वो अपने मायके से कुछ नहीं लाई अभी। अच्छा, मैं बना रही हूँ उनको। ठीक है। तो मतलब है बहू का, मतलब नाम तो बहू का आ रहा है, लेकिन इन्होंने अपने जेठानी के लिए भेजना है वहाँ पे। यानी कि मम्मी के लिए भेजना है। तो यहाँ पे हमने ये जो होता है डो लगा लिया है। डो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है, ये दो तीन बंदों के लिए देने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे इसकी छोटी गोली बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे छाप मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है छाप, इसी से मतलब जो होता है रोटना, रोटना छाप ही जान है नी। कौन आया हो वीडियो बना देगा हमें जरा। ये हमारे मतलब हमारे गांव में, मैं गढ़वाली में बोलती हूँ, जब भी मतलब हमारे गांव की बेटी ध्यान अपना मेत पे सराज देनी या फिर हमें किसी को देना पड़ता है अपने रिलेटिव को, तो ये चीज़ ज़रूर बनाई जाती है। तो मुझे लगा आप लोग को दिखा देती हूँ कि उत्तराखंड में कैसा कल्चर है, किस तरीके से लोग बेटी हो बहू हो विदा करते हैं, क्या क्या देते हैं। वैसे तो मिठाई जो फल फ्रूट है वो नॉर्मल सी बात है, वो तो हर जगह होता है, बट उत्तराखंड में खासकर ये चीज़ बनता है जैसे मैंने आपको बता दिया। इसका नाम है रोटाना। अगर तुम में भी कोई गढ़वाली से तो तुम लोगों को पता होगा कि ये बने, मतलब देखो बनी निकाल में तो ये रोटाना आरसा बने बंच। वैसे तो लोग आरसा बढ़ बट हमारे ये मतलब हाँ शॉर्टकट में ये रोटाना बन। तो अभी हम बनाते हैं रोटाना। मेरी वीडियो शूट करने वाले आ गए हैं हमारे वीडियोग्राफर, ये अभी घूम फिर के आया है, तो ये हमारी वीडियो अब शूट करेंगे। तब तक हम इसे थोड़ा बनाते हैं। सीधे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो तो दिखा दो। तो हमने ये गोली ले ली है, इसे ऐसे बनाते हैं, इसको इसमें रखना है ये माखन, और इसको थोड़ा सा पुश करना है, ऐसे दबाना है। फिर जो ये ऊपर वाला है इसका दूसरा पार्ट, इसको इसके ऊपर रखना है और जितनी आप में ताकत है उतना तेज़ी से दबाना है। तो ये देखो, ये जितने चौड़े होंगे उतना अच्छा होता है। तो ये हमने दबा दिया, आप देखो आप ये बन गया हमारे रोटाना, दोनों साइड इस पर डिज़ाइन आ गए। ये देखो रोटने हमारे रेडी हो गए। ठीक है, ये भी बताओ। और यहाँ पे हमने इतने रोटने बना लिए हैं, देखो ये तो यहाँ पे हमने इतने रोटने बना लिए हैं। डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं इसमें अच्छे से डिज़ाइन आए हैं, क्योंकि इन पे जो ये छाप होते हैं ना इस पे डिज़ाइन बने हैं। तो चलो ये नोतलन हम, तब तक हम जो इतना ये डो है इसको बनाते हैं पहले, तब तक चाची जी हमारी ये तले नीच। गरम लेगी अभी माई डालना, अभी पलटन छन गड़ालो को ले गड़वाई के गड़वाई को नहीं के बता। और ये पलटी ली तो सिर्फ तरफ और एक थोड़ी देर पक ला के 5 मिनट और ये पक गया। ये सब इसको मैं यहाँ पे रखी हूँ पितर देवताओं के लिए, जो पहले बंद है चूल्हे में, मैं इसको पितर देवताओं के लिए रखती हूँ। और अब ये पक गए हैं, मैं इसको निकाल कर देख लूँ अच्छी तरह पक गए हैं। ये पक गया ऐसा। तो अभी इतना डो बचा है,
ये मैंने मतलब ये छाप के रख दिया है और अंदर चाची से तल रहे, तो चलो चाची के पास लेके चलते हैं। यहाँ शेफ जी बना रहे हैं क्या मोड़ो, ये सब्जी बना रहे हैं यहाँ, सब्जी चाची बना रही है यहाँ रटने। ये क्या फूल रटने रोटी बनू रोटना रोटना बड़ी ये बनिया रोटना पटाना तुम लोग मुख में भी रोटना देखे पानी होना हो जरूर है नी बोल। अभी नहीं अभी खाई अभी खाई नहीं, थोड़ी देर में खा ला, देख के लग रहा है कि टेस्टी होंगे बट अभी खाएंगे थोड़ी देर में तब पता चलेगा। और ये हमने यहाँ लाइट भी चलेगी, अंधेरा हो गया अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। बहराट उतरे लड़का बहराट रुक गया अभी तक बड़ा बहुत चु। ये रजनीश ये देवर है हमारे, ये बना रहे हैं सब्जी। और बाहर देखो आप अंधेरा हो गया, लाइट चलेगी। तो चल अभी तेरे में बड़ोला अभी तेरे में बड़ोला है वो आपको दिख रहा होगा, वो आंखें चमक रही है। ये है हमारा कुत्ता डॉगी। ये सो बन गए हैं हमारे आधा से ज़्यादा रोटने, ये देखिए रोटने बन चुके हैं और अभी इतने और तलने हैं। चाची लगी है हमारी तलन पर है चाची, गरम भी होनो क्या कहता वह जिठाणते बोणो बारी में बढ़ो। और दो अब आ रहे हैं ये महामूर्तियाँ, सुबह से इनके दर्शन नहीं कुछ नहीं, अब आ रहे हैं। इनको तो अपने गांव आके ऐसे फ्री हो गई, जैसे नहीं होते हैं कि आर्मी वाले नहीं होते, वो जिनको 2 महीने की छुट्टी मिल जाती है तो बस पूरा घूमते रहो पूरा शहर। इधर आओ अंधेरे में कुछ नहीं था ना, इसलिए नहीं दिख रहे, इधर आ जाओ। आज लास्ट दिन था मेरा इस गांव में, तो हाँ लास्ट इस गांव में लास्ट दिन था, आज जो मेरा ये हॉलीडे है ये लास्ट आज फिनिश था मेरा, कल हम जा रहे हैं। इसलिए आज मुझे लगा कि पूरे गाँव में घूमना चाहिए और मैंने अपने पूरे गाँव की वीडियो शूट करी है, तो वो मैं अपने चैनल पे डालूंगा। अपना चैनल का प्रमोशन कर रहे हो मेरे चैनल पे? नहीं प्रमोशन नहीं कर रहा, हमारा ऑलरेडी प्रमोटेड है। ओके तो चलो बना रहे हो, चाचा जी भी आ गए, चाचा जी को थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको क्योंकि अंधेरा है तो अभी नहीं। हम सब्जी रख रहे हैं यहाँ पे और आज हम बना रहे हैं, ये देखिए घिया आलू की सब्जी। और यहाँ पे हमारे चाचा जी बैठे हुए, तो यहाँ पे आधा से ज़्यादा हमारे आधा क्या पूरे बन गए, इतना बना हुआ है जो हमने आपको डोरी दिखाया था इतना बना हुआ है। आप सब्जी रखेंगे और यहाँ पे एक चाचा जी बैठे हैं, कुछ बोलोगे चाचा जी? कुछ नहीं बोलूँगा। खीरा क्यों खा रहे हो, खाना नहीं मिला? एंजॉय कर रहा हूँ। और कुछ दिन भर कल हम लोग जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है बहुत अच्छा लगा, कल जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अपना घर तो जाना ही चाहिए, वैसे भी आपका घर है ही है, चलो बहुत बढ़िया। और कुछ? कोई नहीं बोलूंगा। आप शर्मा गए हैं। बाकी यहाँ पे पंडित जी है हमारे, पंडित जी छोटे वाले देवर हैं। आप कुछ बोलना चाहोगे? कुछ तो बोलो, उनको शर्म आ रही है। और ये है इनका डॉगी काली, है काली काली का आजकल तबीयत खराब है, अभी जस्ट लाइट आई है, क्या वहाँ पे आग जल रही है, किसने जलाई भाई यार? किसी ने शायद जलाई है। और ये है रात का नज़ारा यहाँ का, उधर का दिखा दिखा लिया मैंने, वो चाची जी वहाँ पर उठाने बना रहे हैं, चाचा भी देख रहे हैं क्या क्या बन रहा है। और ये है चाचा जी का घर, हाँ कुछ मेरा कट कर क्या हम कुछ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है चलो चलो ठीक है, फिर हम सब्जी बना रहे हैं। टोटा ने खा के देखा हमने कैसा टेस्ट आया, अरे किसने बताया नहीं, बहुत बढ़िया टेस्ट आया। तो अभी हम ऐसे टेस्ट करने के लिए ले जा रही हूँ, हमने भगवान को चढ़ा दिया है, पितृदेवताओं को चाची ने पहले यहाँ पे चढ़ा दिया क्योंकि हमारे यहाँ चढ़ाते हैं पहले, तो इसको लेके जा रही हूँ। तो चखो कैसा वाला टेस्ट बताना, ठीक है रिव्यू करो, बताओ बताओ तू भी बताओ करो, कहना जबरदस्त
मस्त ठीक हो ना सचिन? सो हमारी मेहनत रंग लाई। उत्तराखंड की चाय बहुत ही टेस्टी होती है। टेस्टी क्या, चाय तो सभी जगह टेस्टी होती है, बट उत्तराखंड की जो फेमस है वो चाय ही है। ठंडियों में चाय पीने का और ही ज़्यादा मजा है। तो चाची यहाँ पे चख रही है। चाची कैसे कलमा लगनो की एक है के? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होना, टेस्ट क्या होना, टेस्टी होना, बहुत अच्छा। बहुत टेस्ट होना में। अच्छा। मेहनत से बढ़ाए वजन तो तब अच्छा भी होना चाहिए। बहुत मेहनत कर रहे हमने, बहुत सारी चीज डाली ठीक है। हाँ बाकी ये हम लोगों ने अपने खाने के लिए निकाले हुए हैं, मैं भी खा रही हूँ, मुझे भी टेस्ट अच्छा लग रहा है। और बाकी हमने बचाए हुए हैं जो हैं वो देने हैं बुआ को, मतलब वो देने हैं, मैंने बताया था ना आपको, रिश्तेदारों को देने हैं, तो वो देने हैं। बाकी हम भी चख रहे हैं। और शेफ हमारे लगे हुए हैं किचन में। वैसे आप सोचोगे कि वो ही बना रहे, नहीं हम भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो अलग से बना रहे हैं डिश। और पंडित जी भी, आप बताओ अपना रिव्यू दो, कैसा बनाया, इतनी मेहनत की हमने, कन्मा बड़े बेकार हो ये भाई, टेस्ट नहीं लगा तेरे को क्यों? देख लो ऐसे भी लोग होते हैं, फिर हो बेकार। देख मुंह जल गया। तो चलो गाइस, वीडियो लंबी होगी मेरी, यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। हमारा जो उत्तराखंड का कल्चर है वो देख के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कल्चर क्या, मैंने बस कल्चर में हमारी ये छोटी सी चीज़ आती है रोटाना बनाने की, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप आप लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को कल के ब्लॉग में। कल हम लोग जा रहे हैं यहाँ से गुड़गांव, तो मैं आप लोगों को अपना रुद्रप्रयाग से और गुड़गांव का जो सफ़र है वो अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। रुद्रप्रयाग मेरा ससुराल पड़ता है रुद्रप्रयाग में, तो बस। तो चलो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।